नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दो दिन पूर्व द्वारकापुरी क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं पूरे मामले में मृतका का सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। दरअसल क्षेत्र की रहने वाली प्रियंका पति राहुल चौहान घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया था। इस सुसाइड मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के कपड़ों से सुसाइड नोट मिला। पूरे मामले में मृतका प्रियंका ने अपने पति राहुल चौहान और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना देने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। वहीं पूरे मामले की जांच अब वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। सर, एक प्रियंका नाम की नवविवाहिता ने सुसाइड किया है, उसमें पुलिस 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। सर, क्या आरोप लगाए महिला ने? हाँ, ये परसों की घटना है। परसों शाम की बात है, वो अकेले घर पर थी और उसका पति जो है नगर निगम में काम करता है और उसने जो है घर में फांसी लगा लिया था और उसका जो है हम लोगों ने पीएम कराया और पीएम के दौरान ही जो है उससे एक सुसाइड नोट जब्त हुआ है, जिसमें उसने अपने पति और पति के परिजनों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है और उसी कारण जो है आत्महत्या करना बताया है। और इसकी जो जाँच है हमारे ACP साहब कर रहे हैं और शीघ्र ही जो है इसमें कार्रवाई कर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, सुसाइड नोट कहाँ से मिला महिला को? महिला के शरीर से मिला है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।